नाम है भूपाली। वो दक्षिण भारत में उसको कहते हैं मोहना। आपके कुछ लोग भाई बहन होंगे जो दक्षिण भारत से होंगे, उसको मोहना बहुत सिंपल लागे, बहुत साधारण लागे। लेकिन इस रात से हम लोग कहाँ कहाँ गए और कितना दुनिया घूम के आ गए, आपको थोड़ी देर बजा कर सुनाता हूँ। वैसे अभी भी नर्वस लग रहा है, मैं बजाऊंगा। Thank you.
फिल्म की बात आई तो ही बहुत अच्छा लगता है, नहीं होगा तो नहीं आता है, आता है। तो शास्त्रीय संगीत लोग हैं, हम ये कहेंगे कि ये आर्ट म्यूजिक है जो हमको प्रेरणा देता है कि हम इसमें से लेके कुछ अपनी बात कहें। और वो देखिए दुनिया गाती है इसको, ये सब जो गाने हम बजा रहे, जिंगल बेल हो या वहाँ भी विदेशों में भी है भोपाली, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। एनीवे शास्त्रीय संगीत सब कुछ जुड़ा हुआ है, और हम इसको शास्त्रीय संगीत इसलिए नहीं कहना चाहता कि ये एक ऐसी कला है जो हम इसको हमेशा सीखते रहना चाहते हैं और इसमें कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं और इसमें से कुछ लेके दूसरी बातें भी कहना। भजन भी, कितने भजन हैं इस राग में, बहुत। तो थोड़ा सा आइडिया के लिए मैंने कहा कि देखिए हम हैं संगीत में लेकिन उसको शास्त्रीय क्यों कहें, जब हम उसे ले सकते हैं तो लेंगे और करेंगे और दूसरी बातें भी कहेंगे, अच्छी बातें कहेंगे जो कि पिक्चर में भी अच्छी लगे और लोगों के कान में भी अच्छी लगे, लोग इसको गुनगुनाएं। मैं जब ये गाना मैं बजा रहा था, मैं खुद भी बजा रहा था और मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी था, तो लता जी का फ़ोन है कि भाई वो गाना आपका बहुत अच्छा है लेकिन जब आप फ्लूट में शुरू करते तो बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा दीदी बस है तो हम लोग का संगीत ही है ना शास्त्रीय संगीत का, और ये तो ये भी शास्त्रीय, उनको भी मैंने कहा ये राग भोपाली है, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, और फिर सिनेमा से आपका काफ़ी ताल्लुक रहा उसके बाद जी। जी दोस्त, सिनेमा में जितना सुंदर जो आपके दो फेवरेट, मैं सुभाष जी बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन कहा कि मैं अभी और भी पसीना आ गया। अगर हमारे 10 बच्चे हों तो आपके इसमें 2 बच्चे, हमने प्रयोग किया था जी, वो अमिताभ साहब की इच्छा थी कि वो कुछ बोले भी, हमने उनसे पहली बार गाना गवाया था सुभाष जी, वो रंग बरसे भी गए चुनर पर, तो वो बहुत जम गया मुझे, मैंने कहा बहुत अच्छा वॉइस भी, बहुत अच्छा गाया भी उन्होंने, तो हमने उनसे फिर एक गाना लता जी ने गाया था जिसका जिसके शब्द थे नीला आसमां सो, फिर उन्होंने उसको रिपीट किया, फिर उनकी इच्छा थी, हम लोग की भी इच्छा थी, उनका वॉइस जो है अलग ही सबसे अलग है, तो मैंने कहा कि कुछ गाने में इनके कुछ शेर व शायरी रखें, तो शायद आपको याद होगा ये कहाँ आ गए हम, तो उसमें मैंने उनको बीच में म्यूजिक के जगह शायरी रखी थी, वो उठा था। तो उनको भी लिखने का बहुत बहुत अच्छा लिखा था, तुमने बहुत अच्छा लिखा था, ये कंगन है या चांद का तो कुछ भी बहुत अच्छा लिखा था, तो उसका ऐसा फिट हुआ तो नई बात लग रही थी हम लोगों को, बहुत बहुत सुंदर था जी जी जी। और दूसरा तो और दूसरा क्या था, और तो कभी कभी मेरे दिल में हाँ जी खाया जाता है जी, एक वो था क्या, अच्छा था।
बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था इसलिए कि हम लोग पहली बार कर रहे थे।